रेजोनेंस क्या है हम समझ चुके हैं, रेजोनेंस का कंडीशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसको भी डिस्कशन कर लिए, अभी एप्लीकेशन क्या होगा रेजोनेंस का इसको डिस्कशन करेंगे। लेकिन इससे पहले टाइप ऑफ रेजोनेंस को थोड़ा टाइप ऑफ रेजोनेंस दो प्रकार के होता है, एक है प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट, कभी कभी मेजोमरिक इफेक्ट करके बोलते हैं रेजोनेंस को, इसलिए प्लस एम इफेक्ट। सेकंड टाइप है माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट, ठीक है ओके। अभी प्लस आर क्या होता है देखना है, अगर इधर हम ओ सिंगल बॉन्ड एच यानी ओ एच ग्रुप रखते हैं, ओ एच के ऊपर लोन पेयर दो होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर अभी रिंग के ओर आएगा, रिंग के ओर आना ही प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट बोलते हैं। तो ये क्या होगा अभी, अभी ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए इसके पास पॉजिटिव चार्ज, और जब ये बॉन्ड इधर हो जाए आ जाएगा तो कार्बन के, ये जो कार्बन के पास है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगा, लेकिन क्योंकि एक दो तीन चार के करके बॉन्ड ऑलरेडी कार्बन के पास है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आके डबल बॉन्ड ऐसे करेंगे तो इस कार्बन के पास पांच बॉन्ड हो जा रहा है, इसलिए ये बॉन्ड ही इधर शिफ्ट होना चाहिए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक कार्बन को शिफ्ट होता है तो इसके पास हो गया माइनस चार्ज, और जो जिधर था उधर लिख लो, ये बन गया फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर ये बॉन्ड इधर आ जाएगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि नहीं तो इस कार्बन के पास भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगा। सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये वाला दो इलेक्ट्रॉन इसको डबल बॉन्ड बनाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ रहे हैं डबल बॉन्ड, और जो जिधर था उधर लिख लो, फिनोल में कैसे ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है देख लो। थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, अभी बहुत इजी है, ये दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन और ये दोनों कार्बन के बीच में आ जाएगा, तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ जाएंगे, मेकिंग दैट कार्बन एज द नेगेटिव कार्बन, ये बन गया इधर, ये आ गया इधर, ये था उधर, ये डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन के पास था तो पॉजिटिव, लेकिन इसके साथ प्लस आर इफेक्ट और ऑक्सीजन जो इधर, सॉरी इधर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, मैं लिख लूँ, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप अल्कोक्सी ग्रुप माने क्या है, ऑक्सीजन के साथ आर जो है ये CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मिथॉक्सी इथॉक्सी कुछ भी ग्रुप हो, ऐसे ग्रुप होने से आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, जो इलेक्ट्रॉन रिंग के ओर पुश करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम बोलते हैं प्लस आर एंड प्लस एम इफेक्ट। ये होने से क्या होता है, एक बढ़िया सा कंक्लूजन हमको मिल रहा है, यानी कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जो बेंजीन के साथ लगा हुआ है, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिंग के ओर देता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, तो वो किधर किधर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है रे, ये था ऑर्थो पोजीशन में नेगेटिव चार्ज आ रहा है, फिर ये है पारा पोजीशन, क्यों पारा पोजीशन, एक अगर ये एक कार्बन होगा, नंबर वन कार्बन होगा, दो तीन चार वन फोर पोजिशन को पारा, वन टू पोजिशन को ऑर्थो, वन थ्री पोजिशन को मेटा बोलते हैं, ये हमको पता है, लेकिन इधर ये जो हम लिख रहे थे अब तक, हम किधर किधर हम दिख रहे हैं रे, देख रहे हैं रे नेगेटिव चार्ज आता है, ऑर्थो पारा ये फिर ऑर्थो, क्योंकि ये भी वन टू है, ये भी वन टू है, तो इसका मतलब ये है रेजोनेंस का एक एप्लीकेशन आ गया। मतलब जब हम प्लस आर इफेक्ट के बात बोल रहे थे, जिधर कोई ग्रुप बेंजीन के साथ लगा हो और वो इलेक्ट्रॉन को पुश करता है रिंग के ओर, तो वो ऑर्थो एंड पारा पोजीशन में ही नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, यानी अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस नेगेटिव चार्ज के पास ही लगेगा, इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैकेनिज्म में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये था प्लस आर इफेक्ट के बाद, फिर हम चलेंगे क्या रे नेक्स्ट के ओर,
ये कौन सा आता है, नोट वन ये था, नोट टू हम चलेंगे, नोट टू में क्या है, सिंगल बॉन्ड सी एच ओ, सिंगल बॉन्ड सी ओ ओ एच, ग्रुप्स आर है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स, ईडब्ल्यूजी क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये हमेशा मेटा पोजीशन में नेगेटिव चार्ज क्रिएट करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे होता है। अगर इधर में, और ये फिर NO2 सबसे बढ़िया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इधर मैं लगाऊंगा नाइट्रो ग्रुप, कैसे होता है रे, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है एक ऑक्सीजन को देता है और एक डबल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन के पास होने वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन को देता है, इसलिए इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, बेंजीन में जिधर जो रहना चाहिए वो है। ये इसीलिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन खुद के ओर खींचेगा, इसलिए ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, रिंग से बाहर जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं माइनस एम इफेक्ट। सो क्या हो जाएगा रे, फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, इधर ये जो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था शिफ्ट हो रहा है, इसलिए इसके पास पॉजिटिव ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये इधर डबल बॉन्ड होने से नाइट्रोजन के ऊपर और पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा, और ये ओ हो गया, और जो जिधर था दे दो। फिर नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आएगा रे, ये अगर दो बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर दो, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की बात होता है तब दो इलेक्ट्रॉन के साइमल्टेनियस शिफ्ट होता है, इसको समझना ठीक से, इधर लेकिन जब विड्रॉइंग की बात होता है तो एक ही एरो का शिफ्ट एक टाइम पे होता है। ये डबल बॉन्ड है, सॉरी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ओ, ये है डबल बॉन्ड, तो इधर पॉजिटिव चार्ज, और जो बॉन्ड जिधर था उसको लिख लो, फिर थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, ठीक उसी तरह अगर इधर आएंगे आ जाएगा बॉन्ड, तो इधर डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज इधर, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन ही इस कार्बन को छोड़ रहा है, इसलिए इसके पास ये बन गया NO2, ये बन गया, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को डबल हेडेड एरो से हम इंडिकेट करते हैं, तब ये नेक्स्ट एप्लीकेशन आ गया, इज इट विजिबल क्लियरली, या सो यू सी किधर किधर आता है पॉजिटिव चार्ज, ऑर्थो में 1,4 पारा में, फिर ये ऑर्थो में, इसका मतलब ये है जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगता है बेंजीन के रिंग के साथ, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचते हैं रिंग से और पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो एंड पारा पोजीशन में फॉर्म करते हैं, इसलिए अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो सॉरी अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इधर तो ये लगेगा नहीं, लगेगा किधर, कम से कम जिधर पॉजिटिव चार्ज नहीं है उधर लगेगा। तो इसीलिए इन सब ग्रुपों को जब इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन देते हैं इसको हम बोलते हैं जो पॉजिटिव ग्रुप आएगा ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये दिखाते हैं, इन डिटेल्स हम जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे उधर डिस्कशन करेंगे, लेकिन थोड़ा आपके इन्फॉर्मेशन के लिए लिखता हूँ, ये सब ग्रुप को लिखते हैं ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। इधर मेटा में लगेगा जो पॉजिटिव ग्रुप आएगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ये सब ग्रुप जो आ रहे हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ठीक है ना। ये था पहला कंसीक्वेंस ऑफ टाइप ऑफ रेजोनेंस, किस टाइप का रेजोनेंस होता है, किस प्रकार का इनकमिंग ग्रुप आके अटैच होगा वो जो कंपाउंड के साथ, ये सारे बात जो आगे जाके भी बहुत अच्छे तरह से डिस्कशन करेंगे अगर कोई डाउट रह गया तो। ये था पहला बात, भी एप्लीकेशन तो पहला आ रहा है, फिर एक डायरेक्ट एप्लीकेशन लेंगे ये स्क्रीनशॉट लेने के बाद। क्वेश्चन डायरेक्ट भी आता है, क्यों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप्स,
ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसे मैं लिख के दिखाया, ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करना है और लिखना है. सीन्स इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप द नेगेटिव चार्ज इज फॉर्म्ड एट ऑर्थो एंड पारा पोजिशन. द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इज अटैच, इलेक्ट्रोफाइल मीन्स पॉजिटिव स्पेसिस, इलेक्ट्रोफाइल इज अटैच्ड टू दोज कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज. हैंस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप्स. सिमिलरली इन केस ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच टू द बेंजीन रिंग, इट अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इट एंड क्रिएट्स पॉजिटिव चार्ज एट ऑर्थो एंड पारा पोजिशन, सो दैट द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कैनॉट बी अटैच्ड एट द ऑर्थो एंड पारा पोजिशन एंड दैट्स वाई द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इज अटैच्ड टू दैट पोजिशन मीन्स मेटा पोजिशन वेयर एटलीस्ट देयर इज नो पॉजिटिव चार्ज. ओके, सो एप्लीकेशन में लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स. क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड में लिख रहा हूं CH3C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एच और वही दो कार्बन वाला अल्कोहल होगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H इथानोल इथानोइक एसिड. ये होता है इथानोल, ये आ रहा है इथानोइक एसिड. अभी क्या करेंगे, इथानोइक एसिड H प्लस इजिली दे पाएगा या फिर इथानोल जो जितने इजिली H प्लस को रिलीज करेगा वो उतना क्या होगा, वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा. यानी हमको दिखाना है अगर ये ज़्यादा एसिडिक है तो ये हाइड्रोजन को इजिली रिलीज कर सकता है. क्यों, अगर ये H प्लस रिलीज कर देता है तो जो हमको मिलेगा वो है CH3C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड O माइनस. अभी जो पाई बॉन्ड ये डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है यानी एक सिंगल बॉन्ड के डिस्टेंस में है, नेगेटिव चार्ज एक सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं हम, कंजुगेशन. बीच में जब एक सिंगल बॉन्ड रह जाता है, आइदर दो डबल बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड हो या फिर एक इलेक्ट्रॉन पेयर एंड डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड हो तो हम बोलते हैं कंजुगेशन. तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर अगर इधर आ जाएगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के पास, तो ये रेजोनेंस होता है और रेजोनेंस होने से नेगेटिव चार्ज एक ही एटम पे लोकेट होके नहीं रहता है, इसीलिए इसको कोई आके अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज एक, मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज आके इधर अटैक नहीं कर पाया क्योंकि ये पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज इधर नहीं है, ये डिसलोकेट हो जाता है, डीलोकलाइज हो जाता है, लोकेशन इसका फिक्स नहीं होता है, इसलिए ये बन गया सिंगल बॉन्ड O माइनस ये डबल बॉन्ड O. तो फिर अभी क्या करेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड O है तो अभी क्या करेंगे, क्यों ये स्टेबल होता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज एक ही ऑक्सीजन के पास टिका हुआ नहीं है, इसके लिए इस चार्ज का डिलोकलाइजेशन होने से जो नेगेटिव चार्ज है ये दोनों ऑक्सीजन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कम से कम इस ऑक्सीजन का कुछ नेगेटिव चार्ज हल्का हो जाता है, कोई चार्ज स्पेसिस एक्चुअली स्टेबल नहीं है, Na+ कभी भी स्टेबल नहीं है, वो ढूंढता रहेगा किधर Cl- है ठीक है ना. लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो वो सिस्टम को स्टेबल देता है, मतलब एसिटिक एसिड बोलेगा इस हाइड्रोजन को, अरे हाइड्रोजन अगर तुम्हारा दिल करता है कि तुम H+ होके जाना चाहते हो तो जाओ, क्योंकि मेरे पास जो ये एसीटेट आयन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, एसीटेट आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, मतलब स्टेबिलिटी व्हिच इज अचीव्ड ड्यू टू रेजोनेंस, इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. लेकिन क्या इधर भी वो हो सकता है, अगर इधर H+ चला जाए
तो ये बॉन्ड इधर आ जाए, जैसे कि ये माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हाइड्रोजन खुद का इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, एच प्लस है होके रिलीज होता है, तो ठीक इसी तरह इधर भी माइनस होगा, सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड, सी एच टू सिंगल बॉन्ड, ओ माइनस। अगर ये इलेक्ट्रॉन आता है तो कोई पाई बॉन्ड है क्या कंजुगेशन में जो इधर शिफ्ट हो जाएगा? नहीं शिफ्ट हो जाएगा, इसीलिए ये बॉन्ड भी इधर आ नहीं सकता है। इसका मतलब इधर नो डिलोकलाइजेशन, फिक्स हो गया ये नेगेटिव चार्ज, तो इसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। नो डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। तो नो डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर का डिलोकलाइजेशन नहीं होगा तो ये स्टेबल नहीं हो पाएगा। अगर ये जो इथोक्साइड आयन है, ये इथोक्साइड आयन इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, तो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि हाइड्रोजन रिलीज हो जाए एच प्लस करके, क्योंकि एच प्लस रिलीज हो जाने के बाद ये जो स्टेबल नहीं हो पाएगा, इसको पता होगा ये बात, इसलिए बोलगा नहीं नहीं तू एच प्लस होके मत जाएगा तो मैं स्टेबल नहीं हो पाऊंगा, इसीलिए वो हाइड्रोजन को इतने इजीली रिलीज नहीं करेगा तो लेस एसिडिक होगा ड्यू टू less readily release of H plus ion, ये शायद दिखाई नहीं देता होगा, less readily release of H plus ion, ये stabilized है, इसीलिए acetic acid releases H plus ion easily, because acetate ion is resonance stabilized, क्योंकि H plus रिलीज हो जाने के बाद भी जो acetate ion होता है वो resonance stabilized, इसीलिए ही carboxylic acid is more acidic than alcohol। मैं सोचता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास अबाउट हाइपर कंजुगेशन। थैंक यू सो मच, कीप रीडिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी, बाय बाय।